हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप स्क्रिप्ट अपने एनिमीज के यहाँ पर काफी लेवल पे क्लिक कर पाओगे और साथ साथ आप अपने रैंक भी काफी लेवल पे पुश कर पाओगे। तो वीडियो का अंत तक आप जरूर से देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर हमें पहले रेटर का ही काफी अमेजिंग है और इस रेटर का यूज करके आप फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे और साथ ही साथ आप इस रेटर को कहीं पे भी आके आराम से यहाँ पे कर पाओगे। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको कहीं पे भी जाके अपने बैग को खोल के यहाँ पे लूट को ड्रॉप कर देना है। जैसे आप लूट को यहाँ पे ड्रॉप कर लोगे फिर आगे जाके आप मेरे को ध्यान से फॉलो करना। तो अगर लूट को ड्रॉप करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने पिन वाला बटन और अपने स्प्रिंट वाला बटन दोनों को साथ में प्रेस करना है और जैसे यहाँ पे करोगे तो आपने देखना आपके स्क्रीन पे सारी सारी लूट यहाँ पे आ जाएगी। और अगर सबसे वाली चीज़ का यहाँ पर ये फायदा है, जब भी आपने काफ़ी दूर अपने लूट से भी चले आओगे और जैसे मैं किसी भी लूट के यहाँ पर टैप करोगे तो आपने देखना जहाँ पर आपने लूट को यहाँ पर ड्रॉप करा था तो आपकी लूट वहाँ पर आके पिन हो जाएगी। और जैसे आपके फ्रेंड सर्टर को यहाँ पर देखे वो भी यहाँ पर सरप्राइज हो जाएगा कि आपने काफ़ी दूर जाके अपने लूट को यहाँ पर पिन कैसे कर रहे हो। तो जैसे कि आपने देखो मैं अपनी लूट से यहाँ पे 90 मीटर दूर हूँ, लेकिन मैंने 90 मीटर दूर से अपनी लूट के यहाँ पे पिन कर दिया है। और जैसे आपके फ्रेंड सर्टर को यहाँ पे देखे वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा। तो अगर आपके रेटर के कैसे लगी, अगर आपके रेटर के यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। तो चलते हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो अगर हमारे नेक्स्ट रेटर की काफ़ी तो खतरनाक होने वाली है और इस रेटर का यूज़ करके आप ट्रेन मोड के एनिमीज को यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर पाओगे। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे दो ग्लू वॉल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं ग्लू वॉल के यहाँ पे ले लोगे फिर आगे जाके आप मेरे को ध्यान से फॉलो करना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जहाँ पर आपको यहाँ फ्लैश बैंक मिलते हैं आपको उस जगह पर आ जाना है। जैसे भी यहाँ पर आओगे फिर आपको यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पे एक जगह देखने को मिल जाती है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी दो ग्लू वॉल को यहाँ जल्दी से यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ आप भी बिल्कुल यहाँ जल्दी से यहाँ पे सेट कर देना। सेट करने का फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने स्कोप की मदद से ग्लू वॉल के ऊपर यहाँ पे चढ़ जाना है। जैसे मैं ग्लू वॉल के ऊपर यहाँ पे चढ़ जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर आने का फिर आपको अपने स्कोप को बंद करके यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने का फिर आपको यहाँ सामने तरफ एक जंप लेनी है। जैसे यहाँ पे जंप लोगे तो आप कुछ इस जगह पर आ जाओगे। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद आप जैसे यहाँ पे लेट जाओगे तो आप यहाँ टोटली हाइड हो जाओगे और साथ ही साथ आप यहाँ बैठ के अपने एनिमी को भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर पाओगे। और गाइस यार जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेफ भी है, यहाँ पे आपका एनिमी कभी भी यहाँ पे किल नहीं कर पाएगा। और आप यहाँ काफ़ी सारे इनहेलर अपने साथ यहाँ पे ले आना, जैसे आपको यहाँ पे कोई भी एनिमी यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश करेगा तो आप इनहेलर का यूज़ करके अपनी हेल्थ को भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और यह जो जगह ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, यहाँ पर मैंने काफ़ी देर तक यहाँ पे कैंपिंग करा था और अपने एनिमी को भी मैंने यहाँ पे काफ़ी देर तक यहाँ पे किल करा था। और इस राइटर का यूज़ करके आप भी अपने एनिमी को यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर पाओगे और वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे कि आप ऊपर की तरफ यहाँ पे कैसे चढ़ गए। तो गाइस आप भी इस वाले ट्रिक का यहाँ पे यूज़ करके अपने एनिमीज को यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो गाइस आपकी वाली ट्रिक कैसी लगी, अगर आपकी वाली ट्रिक यहाँ पसंद आई तो कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक है, ये आपकी रैंक पुश में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी और इस वाली ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे और साथ ही साथ आप अपने एनिमी को भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर पाओगे। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको परगेटरी वाले मैप में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद जैसे आप इस वाली लोकेशन पर आ जाओगे तो एक बार मैं वाली लोकेशन आपको मैप के अंदर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप मैप के अंदर यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ इस वाली लोकेशन पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे एक जिप लाइन देखने को मिल जाती है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप मेरे को यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस वाली जिप लाइन को यहाँ पे यूज़ कर लेना है। जैसे हमें जिप लाइन को यहाँ पे यूज़ कर लोगे फिर आपके सामने जो यहाँ पे पेड़ देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप पेड़ के ऊपर यहाँ पे आ जाओगे फिर आपको अपने कैंसिल वाले बटन पे यहाँ पे प्रेस कर देना है। तो जैसे आप करोगे तो आप पेड़ के ऊपर यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप अपने एनिमी को यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे किल कर पाओगे और जैसे आप यहाँ लेट जाओगे तो आप टोटली हाइड हो जाओगे, जिसका आप यूज करके अपने रैंक को भी काफ़ी यहाँ पे पुश कर पाओगे। तो बस आप मेरे वाले स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना तो आपके रेटर भी काफ़ी अच्छा से यहाँ पे काम कर जाएगी। सो गाइस आपके रेटर भी कैसी लगी, अगर आपके रेटर भी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस हमारे नेक्स्ट ट्रिक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। और ये जो ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ गाड़ी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आप किसी भी गाड़ी को यहाँ पे ले लोगे फिर आपको यहाँ किसी पानी वाली साइड यहाँ पे चले जाना है। पानी वाली साइड जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी को पानी के अंदर यहाँ पे ले जाना है। जैसे आप पानी के अंदर अपनी गाड़ी को यहाँ पे ले जाओगे फिर आपने देखना जो आपकी यहाँ पे गाड़ी है वो पानी के अंदर यहाँ पे फंस जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने सरबोर्ड को यहाँ पे ऑन कर लेना है। सरबोर्ड को ऑन करके फिर आपको अपने गन के यहाँ पे स्कोप को ऑन करके अपनी गाड़ी की तरफ यहाँ पे करना है। तो जैसे आप करोगे फिर आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा।
तो जैसे आप यहाँ पानी के अंदर अपने स्कोप खोल के गाड़ी तरफ यहाँ पे देखते रहोगे, तो यहाँ पर एक टाइम होगा कि आपका कैरेक्टर आपको यहाँ कुछ ऐसा लगा है जैसे वो यहाँ पे पानी के अंदर यहाँ पे डूब चुका है। और जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, मेरे को अपना कैरेक्टर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पानी में यहाँ पे डूब चुका है स्कोप खोल के। और यार जो ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने इंटरनेट को यहाँ पे ऑफ कर लेना है। जैसे आप इंटरनेट को यहाँ पे ऑफ करोगे फिर आपको अपने पिंग का यहाँ पे ट्रिपल लाइन होने का वेट करना है। और जैसे आपके पिंग यहाँ पे ट्रिपल लाइन हो जाएगी फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने इंटरनेट को दोबारा से यहाँ पे ऑन कर लेना होगा। जैसे आप इंटरनेट को दोबारा से यहाँ पे ऑन कर लोगे फिर आगे जाके आप मेरे को बहुत ध्यान से फॉलो करना। तो यहाँ पर मेरी पिंग ट्रिपल लाइन हो चुकी है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने इंटरनेट को दोबारा से यहाँ पे ऑन कर लेना है। जैसे आप इंटरनेट को यहाँ पे ऑन करोगे फिर आपको अपने बैक को खोल के यहाँ पे बंद कर देना है। जैसे यहाँ पे कर लोगे फिर आप यहाँ देखना आपको अपना कैरेक्टर कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलग से व्यू में यहाँ पे दिखने लगेगा। और यह जो ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप अपने स्क्रीन को यहाँ पे रोटेट करोगे तो आप अपने कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे और भी यहाँ पे जूम कर पाओगे। और जैसे आपका फ्रेंड इस ट्रिक को यहाँ पे देखे वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आप अपने कैरेक्टर को कैसे व्यू में यहाँ पे देख पा रहे हो। तो क्या जैसे आप इस सारे ट्रिक को यहाँ पे कर लोगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने स्क्रीन को हल्का से यहाँ पे रोटेट करना है। जैसे आप रोटेट करोगे फिर आप ये देखना आप अच्छे से और यहाँ पे जूम कर पाओगे अपने कैरेक्टर के अंदर। और ये वाली जो चीज़ें भी काफ़ी यहाँ पे अमेजिंग रखती है। तो बस आपको यहाँ पे एक बात करना रखना है, आपको अपने फायर वाले बटन और अपने जूम वाले बटन यहाँ पे प्रेस नहीं करना, नहीं तो आपका कैरेक्टर वापस यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। और इस वाले ट्रिक को आप कहीं पर जाकर आराम से यहाँ पे कर पाओगे, बस आप मेरे वाले स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना तो आपके वाले ट्रिक काफ़ी सारे यहाँ पे काम कर जाएगी। सो गाइस जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया सारे ट्रिक्स यहाँ पर कैसे लगी। अगर आपको सारे ट्रिक्स यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।